Now next ही program counting number of words in a given string. For example, अगर आपके पास कोई particular sentence available in the form of array or in the form of strings, like C is a programming language. C is a programming language. Like that. इस particular case में अगर आपको count क्या करना number of words. जैसा कि आपको पता है number of words हमेशा separate किससे होंगे separated by using either new line और बाय यूजिंग स्पेस. तो अभी मैं जस्ट आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं रिगार्डिंग स्पेसेस. जब मैं फाइल हैंडलिंग कांसेप्ट एक्सप्लेन करूं देन उसके इसमें एक्सप्लेन करूंगा हाउ टू सेपरेटिंग बाय न्यू लाइंस. इसके साथ स्पेसेस के रिस्पेक्ट में बात करें मैं इसे सी कंसीडर हो गया या फर्स्ट वर्ड देन इसके जस्ट व्हाट फाउंड क्या हो रहा है स्पेस देन इज. इज कंसीडर हो गया सेकंड वर्ड देन अगेन ए. ए कंसीडर हो गया थर्ड वर्ड देन प्रोग्रामिंग इज अ फोर्थ वर्ड एंड लैंग्वेज इज अ फिफ्थ वर्ड. मींस इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अंदर टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने फाइव वर्ड्स. लेकिन इस वर्ड्स को आप काउंट कैसे करो सेपरेटेड बाई स्पेसेस. सिंपली आपको सिंपल इफ कंडीशन मैनेज करना यूजिंग स्पेसेस नथिंग एल्स. ये सिंपली लूप के थ्रू स्ट्रिंग को बिगनिंग से एंड तक और नल कैरेक्टर की पोजिशन तक आप सबसे पहले स्ट्रिंग को ट्रेवर्स कराओ. ट्रेवर्सिंग कराएंगे बाई यूजिंग लूपिंग स्टेटमेंट. लूप के अंदर इफ कंडीशन अप्लाई करोगे फॉर फिल्टरिंग द स्पेसेस. चेक कर सकते हो इसके इसमें टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं फाइव लेकिन स्पेस कितने हैं वन टू थ्री एंड फोर. स्पेस कितने हैं फोर. इसे फर्स्ट वर्ड इट सेल्फ इस केस में जब मैं काउंटर यूज करूँगा तो काउंटर के केस में इट सेल्फ काउंटर का वैल्यू जीरो इनिशियलाइज करें. इनिशियलाइज ने किससे कराएंगे वन से. अगर स्ट्रिंग के अंदर एक भी सिंगल कैरेक्टर फाउंड होते हैं तो ये सिंगल कैरेक्टर इट सेल्फ क्या हुआ ऑल्सो वर्ड. मैं इस केस में मिस अगर एम्प्टी स्ट्रिंग बात करें सपोजेड आप कोई एम्प्टी स्ट्रिंग प्रोवाइड कर रहे थे ना एम्प्टी स्ट्रिंग के अंदर कोई वर्ड नहीं देन आप सेपरेट फिल्टर अप्लाई कर सकते हो यूजिंग लेंथ. अगर किसी स्ट्रिंग का लेंथ जीरो देन उसके साथ नंबर ऑफ वर्ड्स भी कितने ऑल्सो जीरो. लेकिन मैं इस केस में इस पर्टिकुलर एम्प्टी स्ट्रिंग को इग्नोर करूंगा जस्ट कंसिडर करूंगा स्ट्रिंग कंटेनिंग एटलीस्ट सिंगल वर्ड. इसलिए काउंटर का इनिशियल वैल्यू क्या वन देन इसके जस्ट जब स्ट्रिंग को ट्रेवर्स करेंगे एवरी टाइम लूप के अंदर इफ कंडीशन अप्लाई करेंगे लाइक दैट इफ ए ऑफ आई इज इक्वल इक्वल्स टू स्पेस देन इसके इसमें परफॉर्म क्या कराएं काउंटर प्लस प्लस. दिस इज द सिंपल कंडीशंस. सिंपली इसके लिए मैं फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ रिटर्न टाइप यूज करेंगे काउंटर. काउंटर के अकॉर्डिंग रिटर्न टाइप क्या आएगा जस्ट इंटीजर. फंक्शन नेम मैं सिंपली प्रोवाइड कर रहा हूँ काउंटर वर्ड काउंट. आर्गुमेंट टाइप क्या पास होगा जस्ट एरे और स्ट्रिंग. जस्ट इसका टाइप आप पॉइंटर भी ले सकते हो. नेक्स्ट वन लूप को इटरेट करने के लिए यूज करेंगे इटरेटिव वेरिएबल आई. Another variable counter with the initial value as 1. Loop के थ्रू स्ट्रिंग को मैनेज करने के लिए जस्ट अप्लाई करेंगे आई इक्वल्स टू जीरो. देन लूप कब तक चलाना है जब तक एरे के अंदर नल फाउंड नहीं होता. जैसे इस केस में नल आएगा नल मीन्स जीरो. जीरो के केस में कंडीशन कंसिडर किया जाए फॉल्स. और दूसरा कंडीशन अप्लाई कर सकते हो ए ऑफ आई नॉट इक्वल्स टू नल और नॉट इक्वल्स टू जीरो देन आई प्लस प्लस. क्योंकि इंडेक्सेस में जस्ट डिफरेंस कितने का ओनली वन का. देन लूप के अंदर अगेन काउंटर में डायरेक्टली इंक्रीमेंट ना करिए. अगर आप डायरेक्टली इंक्रीमेंट कराओगे देन उसके इसमें काउंट क्या होगा लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. लेकिन आपको काउंट क्या कराना ओनली नंबर ऑफ स्पेसेस. स्पेसेस काउंट कराने के लिए पहले आप चेक करोगे आई के अंदर ए ऑफ आई के अंदर करेंट वैल्यू. और ए ऑफ आई का करेंट वैल्यू स्पेस के इक्वल है देन इसके इसमें अगर एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है देन परफॉर्म क्या कराओगे काउंटर और सी प्लस प्लस देन क्लोज दिस लूप. फाइनली इस फंक्शन से आप रिटर्न क्या करा दोगे रिटर्न वैल्यू ऑफ सी. रिटर्न वैल्यू ऑफ सी इस टाइप से इस फंक्शन को रिक्वायर्ड प्लेस पर कॉल करा के नंबर ऑफ वर्ड्स काउंट करना पॉसिबल. आप किसी मेन फंक्शन के थ्रू इसको टेस्ट कर सकते हैं. यहाँ टेस्टिंग प्रोग्राम प्रोवाइड नहीं करेगा ओनली प्रोवाइड क्या करें ओनली एक्चुअल रिक्वायर्ड लॉजिक्स. क्लियर. देन इसके समय से ओनली एक ही फिल्टर रिक्वायर्ड है इक्वल 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 से कंपेयर क्या हो रहा है स्पेसेस इन द फॉर्म ऑफ कैरेक्टर्स. क्लियर.